लेजर जो है ना, देखिए आपको लेजर दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे ड्राम रहता है, ड्राम को निकालने के बाद अंदर पे देखिए एक लेजर, लेजर का ग्लास है दिखाई दे रहा है बाहर से। ये जो ग्लास है, ये ग्लास है, उसका अंदर से ही रे करता है, वहां से पिक इमेज को यहाँ पे ड्राम में फॉरवर्ड करता है, तो ड्राम में वो प्रिंट हो, ड्राम से ही प्रिंट निकलता है। तो ये लेजर का जो ग्लास है, लेजर का ग्लास में अगर धूल मिट्टी लगे हुए है तो आपका प्रिंट लाइट हो सकता है। तो इसीलिए इस ग्लास को थोड़ा साफ कर लीजिए, फिर भी नहीं जा रहा है तो उसके लिए कुछ और है। सारे नियम सब पालन करने के बाद अगर नहीं होता तो इसको पूरा लेजर को निकालना है, निकालने के बाद अंदर से भी साफ करना है। तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रिंट का प्रिंट साफ है। और जो बजा है वो बजा भी हम दिखा दे रहे, कौन कौन सा बजा हो सकता है जिसके कारण आपका मशीन में वो सब प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे जो लैंप है, ये जो लैंप है स्कैनर लैंप, इसको सीसीडी कहा जाता है। सीसीडी के अंदर पे धूल मिट्टी अगर होता है तो आपका प्रिंट लाइट हो सकता है, तो सीसीडी को क्लीन करना होगा। एक सीसीडी हुआ, दूसरा लेजर लैंप हुआ, लेजर ग्लास हुआ, और एक तीसरा हुआ ये जो ड्राम है, इस ड्राम को थोड़ा साफ करना है या ड्राम चेंज कर देना है। ये 3-4 बजे से ही आपका प्रिंट लाइट होता है। और एक है टोनर, टोनर अगर आपका खराब है या टोनर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है या टोनर में कुछ दिक्कतें हैं तो उस टोनर की वजह से भी आपका लाइट प्रिंट हो सकता है। और कुछ वजह नहीं है, 3-4 बजे ही रहता है इससे, और ज़्यादा कुछ वजह नहीं है।